नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है करियर पावर अड्डा 247 के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी थोड़ी बहुत तो पढ़ाई कर ही रहे होंगे। हाँ, बदमाशी तो ज़्यादा होगी बट पढ़ाई भी थोड़ी बहुत कर लेते होंगे बदमाशी करते करते। तो चलिए, आपके लिए कुछ अच्छी चीज़ें हम लेकर के आए हैं। अच्छी चीज़ें कहने का मतलब है कि कुछ अपडेट्स लेकर के आए हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आपके लिए मतलब वो स्टूडेंट्स जो क्लैट 2025 के लिए अपीयर करना चाहते हैं या अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं क्लैट 2025 में अपीयर करने के लिए। इसमें क्लास 12th जो अपीयरिंग स्टूडेंट्स हैं वो भी अपीयर कर सकते हैं, जो क्लास 12th में बोर्ड एग्ज़ाम्स देने वाले हैं नेक्स्ट ईयर वो भी अपीयर कर सकते हैं। इसके अलावा जो 12th पास आउट स्टूडेंट्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं इस बार, ठीक है, 2025 के एग्ज़ाम्स के लिए, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं इसके बारे में और भी आगे की अपडेट्स। आपका नोटिफिकेशन निकल गया है। एक चीज़ के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा सा डिले हो गया हमें ये न्यूज़ आप तक लाने में, 10 दिन हम लेट हैं, बट कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए। हम लेट करेंगे कोई चीज़ लेकिन अच्छे तरीके से करेंगे और परफेक्ट करेंगे। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम कोई भी चीज़ अगर आपको डिलीवर कर रहे हैं तो वो ढंग से करें, क्योंकि बिना परफेक्ट किसी चीज़ को अगर आप करेंगे ना, कोई चीज़ में अगर परफेक्शन नहीं रहेगा तो मज़ा नहीं आता है, ठीक है। तो आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए कि हर चीज़ को हम अच्छे तरीके से करें, चाहे छोटा काम हो या बड़ा काम हो, कोई भी हो, ठीक है। आपको पढ़ाई करनी है अच्छे से करिए, आपको बदमाशी करनी है तो अच्छे से करिए, लेकिन जो भी करिए अच्छे से करिए, मन लगा करके 100% अपना दे करके करिए, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे क्लियरली हमें दिया गया है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर एडमिशंस, ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स ओपन्स फ्रॉम 15 जुलाई 2024, यानी कि ऑनलाइन एप्लीकेशन जो ओपन खुल गया है, यानी कि 15 जुलाई 2024 से कब तक, 15 अक्टूबर 2024 तक, 15 अक्टूबर 2024 के बाद ये क्लोज हो जाएगा। इसके बाद क्लैट 2024 का जो ऑफलाइन टेस्ट होता है, ये क्लैट 2025 का जो एग्ज़ाम है वो ऑफलाइन होगा, और हर बार ऑफलाइन होता है, ऐसा नहीं है कि 2025 में ही सिर्फ ऑफलाइन होने वाला है, ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। संडे को 1 दिसंबर 2024 को, यानी कि 2025 के सेशन के लिए जो एग्ज़ाम्स होते हैं क्लैट की, वो दिसंबर में ही हो जाती हैं और इसकी रिजल्ट्स जैन में आपके सामने आ जाती हैं, यानी कि 12th पास करने से पहले ही आपके हाथों में आपकी यूनिवर्सिटी का लेटर होगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी स्टूडेंट अगर क्लैट की प्रिपरेशन कर रहा होगा अपने 12th के साथ, तो ये उसके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा जो कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं पीडब्ल्यू कैटेगरी से, वो भी अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। इसके अलावा दो प्रोग्राम्स यहाँ पे चलते हैं, एक अंडर ग्रेजुएट और एक पोस्ट ग्रेजुएट। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम 5 ईयर्स का होता है, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है, लॉ डिग्री यहाँ पे क्लियरली मेंशन है। इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशंस आपकी होनी चाहिए 10+2 पास्ट, यानी कि 12th पास होने चाहिए, या 12th में 45% अगर आप OBC या जनरल कैटेगरी से हो तो आपके पास होना ही चाहिए, और 40% तब जब आप SC ST PWD कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तब। और यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है, कैंडिडेट्स अपियरिंग फॉर द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन इन अप्रैल 2025 आर आल्सो एलिजिबल टू अप्लाई। तो एक बात ध्यान रखिएगा, जिन स्टूडेंट्स को डाउट होगा कि क्या हम अप्लाई कर सकते हैं क्लैट 2025 के लिए, अगर हम अभी क्लास 12th में हैं तो अगले साल अगर बोर्ड देंगे तो जी हाँ, आप अप्लाई कर सकते हैं। और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम 1 ईयर LLM का जो होता है, इसके लिए आपकी बेसिक क्वालिफिकेशन या एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है यहाँ पे, LLB डिग्री होनी चाहिए आपके पास, या मिनिमम 50% आपके ग्रेजुएशन में होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप SC ST PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 45% होना चाहिए।
और कैंडिडेट्स अपियरिंग इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन इन अप्रैल मई 2025 आर ऑल्सो एलिजिबल, यानी कि जो अपने ग्रेजुएशन के फाइनल सेमेस्टर में होंगे वो स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं 2025 में मार्च अप्रैल के सेशन में, ठीक है। मतलब कि मार्च अप्रैल के सेशन में जो अपना लास्ट ईयर या लास्ट सेमेस्टर कंप्लीट कर रहे हों वो भी स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। एप्लीकेशन की जो फीस होगी, यहाँ पे क्लियरली लिखा गया है एप्लीकेशन फीस, ऑनलाइन एप्लीकेशन फी फॉर बोथ यूजी एंड पीजी, यूजी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए भी और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए भी जो फीस होगी वो 4,000 रुपीज होगी जनरल, जनरल के लिए और ओबीसी के लिए। इसके बाद 3,500 रुपये होगी एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज और बीपीएल कैंडिडेट्स के लिए। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। और ज़्यादा अगर जानकारी आपको चाह रही है या ज़रूरत है कि और भी हम इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं इसके बारे में, क्लैट के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो इसके इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के वीडियो हम आपके लिए ले करके आएंगे। अगर आपको ज़्यादा जल्दी है या आपके अंदर क्यूरियोसिटी है किसी चीज़ को जानने की, आप नहीं जानते क्लैट के बारे में, तो आप जा करके www.consortiumofnlus.ac.in पे जाके विजिट करके आप इसके बारे में सारी जानकारी ले सकते हैं। और यही इसका वैलिड यानी कि सही वेबसाइट है जहाँ पे आप जा करके सारी जानकारी ले सकते हैं, कहीं और पे नहीं जाना है। एक बात आप याद रखिएगा, बहुत सारी फेक वेबसाइट्स बनाई जाती हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, इन सब चीज़ों को अवॉइड करना है हमें, क्योंकि हम आज की जनरेशन है, आप आज की जनरेशन है, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है या मेरे एफ़र्ट्स और हमारी टीम के एफ़र्ट्स आपको अच्छे लगे, हमारी मेहनत आपके लिए किसी भी तरीके से यूज़फुल है, तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट और शेयर करना तो बिल्कुल ही ना भूलिएगा, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा कि क्योंकि आगे का जो नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।